आज पवन सिंह की फिल्म सूर्यवंशम का 17 दिन पूरा हो गया और 17 दिन में फिल्म ने काफ़ी सारी कमाई करी है। फिल्म जो है लगातार चल रही है और फिल्म में सुपरहिट का टैग लग चुका है क्योंकि फिल्म जो है सुपरहिट हो गई है और 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म में काफ़ी सारे गाने हैं और बबुआन से परखंड हो या जिला बबुआन से हिला जो गाना है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और साथ में जैसे ही फिल्म रिलीज़ हुआ सूर्यवंशम और तहलका मचा दिया यूपी बिहार झारखंड में, साथ में बंगाल में भी रिलीज़ किया गया था, मुंबई में रिलीज़ किया गया था और गुजरात में भी रिलीज़ किया गया था और नेपाल में रिलीज़ नहीं किया गया था। लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि दिल्ली में भी रिलीज़ किया जाना चाहिए, पंजाब में भी रिलीज़ किया जाना चाहिए क्योंकि भोजपुरी फिल्म के जो दर्शक हैं वो हर जगह हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर भी फिल्म की जो कमाई है काफ़ी सारी कमाई हुई। कितनी कमाई हुई चलिए बताते हैं। फर्स्ट वीकेंड में जो है फिल्म ने करोड़ों की कमाई करी, दूसरे वीकेंड की भी जो कमाई रही वो करोड़ों का ही कमाई रहा और तीसरा सप्ताह आते आते फिल्म में सुपरहिट का टैग लग चुका और काफ़ी सारे थिएटर जो है तीसरे सप्ताह में भी फिल्म को थिएटर मिला। लगभग जो है 50 से ज़्यादा 51 के आसपास जो है वो थिएटर मिल गया फिल्म को दूसरे सप्ताह में और बहुत सारे थिएटर जो है तीसरे सप्ताह में, क्योंकि दूसरे सप्ताह तक तो थिएटर की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन तीसरे सप्ताह में थिएटर की संख्या थोड़ी सी घटी लेकिन ज़्यादा नहीं घटा क्योंकि फिल्म जैसे रिलीज हुआ है फिल्म को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जिस प्रकार से फिल्म चल रही है। और फिल्म की कमाई कितनी हुई है चलिए आप लोग बताते हैं। अगर पर डे अभी अभी के हिसाब से अगर पर डे फिल्म एवरेज कमाई बात की जाए तो कम से कम मिनिमम जो फिल्म की कमाई हो रही है वो 15 से 20 लाख की कमाई हो रही है, लेकिन एक आंकड़े के तहत बताया गया है कि फिल्म पर डे अभी 25 लाख रुपये से ज़्यादा कमा रही है, लेकिन जितने थिएटर में रिलीज हुआ है फिल्म मिनिमम जो फिल्म की कमाई है लगभग 15 से 20 लाख आप लोग कह सकते हैं कि 15 से 20 लाख अभी भी पर डे फिल्म की कमाई हो रही है। और फिल्म ने 17वें दिन में फिल्म ने काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया और 17 दिन तक फिल्म की जो टोटल कलेक्शन है यानी टोटल अगर ओवरऑल कलेक्शन बात की जाए जितना लागत है और कलेक्शन लेकर के अगर बात की जाए तो टोटल फिल्म की जो कमाई है वो 7 करोड़ 50 लाख के आसपास हो गई। 7 करोड़ 50 लाख के आसपास जो है फिल्म की कमाई हो चुकी है। कुछ सोर्स से यह भी पता चलता है कि फिल्म ने 12 करोड़ की कमाई करी है लेकिन 12 करोड़ की कमाई नहीं हुई है, फिल्म की जो एक्चुअल कमाई है ओरिजिनल कमाई है वो 7 करोड़ 50 लाख है और फिल्म जो है सुपरहिट हो चुकी है क्योंकि फिल्म जो है लगभग 2.5 करोड़ की बजट में बनी थी और फिल्म आप लोग देख सकते हैं कि 7 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई है। तो फिल्म जो है वो मुनाफा अगर फिल्म की बात की जाए तो लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो चुका है, 5 करोड़ प्रॉफिट हो चुका है फिल्म का मात्र 17 दिन में। और पवन सिंह का नया फिल्म भी आने के लिए तैयार है लेकिन फिलहाल यही जो फिल्म है जिस फिल्म का नाम रखा गया सूर्यवंशम यह भी चल रहा है और फिल्म बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है।